सब्सक्राइब करें किरण सियामी किचन को और बेल आइकन दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए एक कढ़ाई में लेंगे 90 ml तेल और तेल को हल्का गर्म होने देंगे। अब ऐड करेंगे 12 से 15 कटी हुई लहसुन और इसे हाई हीट पर 15 से 20 सेकंड के लिए सौते करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम लंबे कटे हुए प्याज। प्याज को अब हम हाई हीट पर ट्रांसलूसेंट होने तक सौते करेंगे। ऐड करेंगे कूटा हुआ अदरक लहसुन जिसमें 1 इंच अदरक और 12 लहसुन है और चलाते हुए आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे, 2 बारीक कटी हुई और 2 स्लिट की हुई, मिक्स करेंगे। अब ऐड करेंगे 15 बारीक कटी हुई बीन्स, 1 छोटी बारीक कटी हुई चाइनीज गाजर, थोड़ी गोभी। गोभी को मैंने 10 मिनट के लिए पहले गर्म पानी में भिगो कर रखा था। आधा कप के करीब मटर, आधा छोटा कटा हुआ टमाटर, टमाटर ऑप्शनल है, इन्हें मिक्स करेंगे। आप चाहें तो थोड़े स्प्रिंग अनियंस भी यूज कर सकते हैं। 2 मिनट चलाते हुए पकाने के बाद ऐड करेंगे थोड़ा नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 3 टीस्पून सोया सॉस, 4 टीस्पून रेड चिली सॉस, 2 टीस्पून विनेगर और अब इन्हें मिक्स करेंगे। मिर्च और सॉसेज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। ऐड करेंगे पके हुए चावल, ये 5 कप पके हुए चावल है, मैंने इन्हें 6 से 7 घंटे पहले ही पका कर रखा था। साथ ही में डालेंगे थोड़ा कटा हुआ धनिया पत्ता और इन्हें मिक्स करेंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इनका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब इन्हें हम मीडियम हीट पर 2 मिनट के लिए गर्म करके सर्व करेंगे। तो हमारे वेज फ्राइड राइस रेडी है, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, उससे मेरी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। हैप्पी कुकिंग।